चुनाव आयोग ने पहले ही जानकारी दे दी है कि सेंट्रल फोर्स की 27 और कंपनियां 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगी। पहले चरण में केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इन 27 कंपनियों में सीआरपीएफ की 15, बीएसएफ की 5 और सीआईएसएफ की 7 कंपनियां शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही जानकारी दे दी है कि सेंट्रल फोर्स की 27 और कंपनियां 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल आ रही हैं। पहले चरण में केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात की जाएंगी। एक जिले में कितनी फोर्स तैनात होगी, इसकी जानकारी चुनाव आयोग ने प्रारंभिक तौर पर दी है। 1 अप्रैल तक केंद्रीय बल की जो 27 कंपनियां आ रही हैं, उनमें सीआरपीएफ की 15 कंपनियां, बीएसएफ की 5 कंपनियां और सीआईएसएफ की 7 कंपनियां शामिल हैं। बुधवार को चुनाव आयोग ने बताया कि कूच बिहार में केंद्रीय बल की 12 कंपनियां होंगी। 6 कंपनी सेंट्रल फोर्स अलीपुरद्वार भेजी जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जलपाईगुड़ी में 7 कंपनी सेंट्रल फोर्स की तैनाती की भी जानकारी दी है। इसके अलावा सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में 2 कंपनी फोर्स तैनात की जाएगी। 2 चरणों में केंद्रीय बलों की कुल 150 कंपनियां पहले ही राज्य में आ चुकी हैं। पहले चरण में 1 मार्च को केंद्रीय बलों की 100 कंपनियां पहुंची थी। 7 मार्च को दूसरे चरण में 50 कंपनी और पहुंची। इन्हें लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही राज्य में भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दिन की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 27 और कंपनियों की तैनाती की घोषणा की। एक जिले से दूसरे जिले में केंद्रीय बल भेजे गए हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। वे इलाके में गश्त लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया कि आम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य में पहले से ही केंद्रीय बलों को भेजा जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में केंद्रीय बलों ने गश्त शुरू कर दी है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस भी जवानों के साथ घूमती नजर आ रही है। गौरतलब है कि सीआईएसएफ ने केंद्रीय बलों की लोकेशन और मूवमेंट के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रोजाना रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। बुधवार को उन्होंने ये भी कहा कि अगले गुरुवार से फोर्स की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जाए। सुबह 10 बजे तक फोर्स से संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को ईमेल से भेजनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।